मैंने कोई मर्डर नहीं किया, मेरा विश्वास करो साहब। मैं आज तक कॉकरोच नहीं मारा। आदमी को कैसे मारेगा साहब? आपको कोई भटकाया? रोकड़े ये ऐसे नहीं मानेगा, इसको थोड़े झटके देने पड़ेंगे। इसको मेरे रूम में लेके आओ जल्दी। ओके सर। रोकड़े। यस सर। इसका पहले तुम पे ट्राई करते हैं। लो पकड़ो। सर ट्राई क्या करना है सर? नहीं नहीं बहुत जबरदस्त है ये, डायरेक्ट इस पे ट्राई करो। रोकड़े। जी। मेरी ऑर्डर ना मानने की हिम्मत कैसी की तुमने? सर ये पकड़ो। यस। कितने मर्डर किए तुमने? कटी, देखा ना, है ना जबरदस्त, है ना डंडे की कमाल। यस। आपने भी मर्डर किया होगा ना सर? अरे किस उल्लू के पट्टे ने ये करंट ऑन किया? सर आपने कहा था यस तो मैं यस। यस उल्लू के पट्टे, काम रहे तू खड़ा रह जा, चल हट। कुट्टी अब पकड़िए डंडे और देख कमाल 440 वोल्ट का, एक मिनट में सारे मर्डर बाहर आ जाएंगे। तो बता कातिल तू है या नहीं? मैं कातिल हूँ, मैं कॉन्ट्रैक्ट किलर है, मैं सीरियल किलर है। कितने मर्डर किया तुमने? मैं 5 मर्डर किया। 5? अभी 5वां मर्डर करने के। है? किसका? मेरा वो मतलबी दोस्त का, जिसने मेरे को इधर फंसाया। मेरे को 1 घंटे का टाइम दो सर, मैं उसका मर्डर करके अभी आते सर। 1 घंटे का टाइम दो, आप मेरे को बोले यस यस। मैंने यस बोला रे, करंट बंद कर, बंद कर, बंद कर रे। इस फ्लॉपी को स्पीड पोस्ट कर देना। हाँ सर। भूलना मत प्लीज। नहीं सर अभी कर दूंगा। हेलो गीता जी, मैं राजू बोल रहा हूँ, मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। देखिए फोन मत काटिए गीता जी, मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है, एक फ्लॉपी के बारे में। जो क्या कहा था मैंने? कि मैं झूठे लोगों को जिंदगी भर माफ नहीं कर सकती, इसीलिए दोबारा फोन करने की हिम्मत न करना। कमऑन गीता भाई, गलतियां किससे नहीं होती, तुम्हें इस्तीफा देने की कोई जरूरत नहीं है। जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ। कैसे भूल जाऊं रोहित, अपने दर्शकों को क्या मुंह दिखाऊंगी? कैसे कहूंगी कि इतने दावे के साथ जिस आई विटनेस को पेश किया था वो एक फ्रॉड था, झूठा मतलबी धोखेबाज था। कितनी बड़ी गलती हुई है मुझसे, उसकी सजा भी मुझे ही मिलनी चाहिए। सजा तो उस कमीने वेटर को मिलनी चाहिए गीता। तुम्हारा कसूर तो सिर्फ इतना है कि तुमने उस आदमी पर विश्वास कर लिया। अपने भाई का उसूल हमेशा याद रखना गीता, कि जब तक सारे फैक्ट्स सारे सबूत हाथ में ना हो कोई कदम मत उठाओ। ये मत भूलो गीता कि तुम्हें भी एक महान रिपोर्टर बनना है, ठीक है अपने भाई की तरह। मैं उस काबिल नहीं हूँ रोहित, प्लीज मेरा इस्तीफा मंजूर कर लो। कैसे कर लो गीता, कैसे कर लूं? मैं यहां काम करूं और तुम मेरे साथ ना हो?
ऐसा तो मैं सोच भी नहीं सकता। हमने मिलकर क्या क्या नहीं हासिल किया गीता, और अब तुम मुझे छोड़ के चली जाओगी। और विक्रम, उसका क्या होगा? क्या उसे ढूंढना हमारा फर्ज नहीं है गीता? उसकी शुरू की हुई लड़ाई तुम अधूरा छोड़ के चली जाओगी? नहीं गीता, नहीं। तुम्हें उन अपराधियों को ढूंढना है, उन कातिलों को पकड़वाना है। ठीक है, फिर से शुरू करूंगी जीरो से। गुड, वेरी गुड, दैट्स द स्पिरिट। थैंक्स रोहित। ओके गीता, एक मिनट। बहुत दिनों से मैं तुम्हें एक बात कहना चाह रहा था, बहुत ही पर्सनल है। तुम तो जानती हो कि हमारे विचार एक जैसे हैं, हम एक ही प्रोफेशन में हैं, एक ही जैसा सोचते हैं, महसूस करते हैं। मतलब हम दोनों के बीच में एक खास रिश्ता है, और मैं इस रिश्ते को ज्यादा मजबूत और गहरा बनाना चाहता हूँ गीता। मैं कुछ समझी नहीं रोहित। बात दरअसल यह है गीता, कि मैं बहुत दिनों से मन ही मन तुमसे प्यार करने लगा हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ गीता। इतनी हैरत से क्यों देख रही हो? मेरी बात पसंद नहीं आई तुम्हें? नहीं नहीं रोहित, ऐसी बात नहीं है। तुम मेरे भाई के दोस्त हो, कितने पुराने और करीबी। मैंने तुम्हें इस नजर से कभी नहीं देखा है। समझ में नहीं आता मैं तुम्हें क्या जवाब दूं। रोहित, मुझे सोचने का थोड़ा वक्त चाहिए। ऑफ कोर्स गीता, ऑफ कोर्स। मैं तुम्हारा जवाब अभी इसी वक्त थोड़ी मांग रहा हूँ। मैं तो सिर्फ अपने दिल की बात बताना चाह रहा था। सो बता दी, अब फैसला तुम्हारे हाथ में। ओके, ये राज्य को मैं छोड़ूंगा नहीं। जय राज्य तेरे को मां। अबे तेरा बाप आया तेरे को मिलने के वास्ते। अपा अपा नहीं, उसको बोलो वापस जाओ, वापस जाओ। बोलो बोलो, मैं मर गया, पागल हो गया भाई। बोलो, चिड़िया बन के उड़ के गया। बोलो बोलो यार, बोलो। बाप तिलक, बेटा कातिल। शट अप यू रास्कल। वामर, सॉरी सॉरी। कन्ना, मैडम, कन्ना मैडम, इधर देख। बार बार इन्हें मोड़ चिरगप्पा। मैडम कुत्ता चेतार, मैडम फूल सब बच्चा। मत्रो, ये मेरा बाप का आवाज तो नहीं? शाजू, बाहर वर्षा तेरी रिहाई का इंतजाम कर रही है। शिंदे साहब, ये सब के सब वो कस्टमर हैं जो खून के वक्त रेस्टोरेंट में मौजूद थे, और इन सब का यही कहना है कि 1 से 2 बजे के बीच कुट्टी अपनी जगह पर मौजूद था। तो फिर वो खून कैसे कर सकता है सर? हमारे पास चश्मदीद गवाह है, जिसने खून अपने आँखों से देखा है। 1 मिनट मिस्टर संडा। क्या है मैनेजर? ये क्या है? आपको याद है पिछले हफ्ते मिस्टर झुनझुनवाला का मर्डर हुआ था? हाँ याद है, बिल्कुल याद है। क्या मर्डर था सर? खूनी का अभी तक कोई पता ही नहीं है। आपको पता, उस खूनी का भी एक चश्मदीद गवाह है। चश्मदीद गवाह? हाँ। कौन है, कौन है, कौन है? माय है, तुम? और खूनी कौन है, खूनी कौन है? आप है, मैं? आप सर? चुप, मैं कैसे खूनी हो सकता हूँ? जब झुनझुनवाला का मर्डर हुआ तब मैं थाने में बैठा हुआ था। करेक्ट, करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। उसी तरह जब मिस्टर देसाई का मर्डर हुआ था ना, तो अपना कुट्टी रेस्टोरेंट में बैठा था। इसीलिए जैसे आप खून नहीं कर सकते, तो कुट्टी भी खून नहीं कर सकता। एम आई राइट? बिल्कुल ठीक सर, केस सॉल्व हो गया। या, हा, हा। कुट्टी, कम हियर। तुम घर जा सकते हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। ए कुट्टी, कुट्टी, तेरे को याद है मैंने तेरे को लिफाफा दिया था? तूने उसे पोस्ट तो नहीं किया ना? जब तक मैं घर नहीं पहुंचता तेरे से बदला नहीं लेता, मैं तेरे को कुछ नहीं बताऊंगा। जा ए कुट्टी,